Welcome to BPSC platform, the one stop destination for BPSC. Here you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology as well as day to day miscellaneous topics, best statistics lectures. For BPSC mains exam, you can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. Hello friends, welcome to the channel BPSC platform. हम लोग आज संख्यकी का lecture one की बात करेंगे। यहाँ lecture one लिया जाएगा। इससे पहले आपको एक introduction class लिया गया था, introductory class। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन डिटेनपटेशन से मतलब स्टेटिस्टिक्स से पूछे जाते हैं बीपीएससी में उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि चार्ट बार एंड लाइन ग्राफ का तीन टाइप है और इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था तो आप हम लोग बारी बारी से पाई चार्ट से शुरू करेंगे इससे स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप हमारे वेबसाइट बी पी एस सी प्लेटफॉर्म पर जाकर के जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उसका वीडियो लेक्चर का जो अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है तो और भी बहुत सारे चीज वेबसाइट पे आपको मिलेंगे जैसे कि सिक्सटी फिफ्थ बी से रिलेटेड मेनली मेन्थ से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल वहाँ मिल जाएगा जी एस वन का स्ट्रेटजी जी एस टू का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और ये स्टेटिस्टिक्स का लेक्चर सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा उसके बाद टेलीग्राम चैनल हमारे बी पी सी प्लेटफॉर्म सर्च करके आप ये लोगो है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई क्वेश्चन आए स्टेटिस्टिक्स या और एनी अदर प्रॉब्लम यू कैन आस्क देयर फेसबुक ग्रुप सेम नेम से है एंड देन यूट्यूब चैनल है बी पी सी प्लेटफॉर्म वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स जैसे सिक्सटी सिक्स पी टी के लिए आपको वहाँ पर करेंट अफेयर का मंथली का एक लेक्चर नहीं मिलता है साइंस का लेक्चर मिलता है आपको सारे पी टी से रिलेटेड स्ट्रेटजी आपको मिलता है तो एवरी थिंग इज़ अवेलेबल एट वन प्लेस आप वेबसाइट पर जाइए या यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम कहीं से भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा सारा चीज़ लिंक वेबसाइट पर दिया हुआ है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए ये दो चीज़ क्या है प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए तो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले उसके बाद बी पी एस प्लेटफॉर्म का स्टैटिस्टिक्स लेक्चर वीडियो आप देखिए और अगर इतना से आपको और भी कुछ करना है तब जा कर के ये बुक खरीदिए डेटा इंटरप्रिटेशन का बाई यू सी झा नहीं तो अदरवाइज इस दो से आपको काम चल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर और लेक्चर उससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो यूसी झा का एक डेटा इंप्रटेशन का बुक लीजिए वो बुक हम दिखला देते हैं ये बुक रहा ऑनलाइन अवेलेबल है ये बुक यूसी झा और आ, सुधील कुमार ये एक्चुअली बैंकिंग की बुक है लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जो बी में अभी पूछा जा रहा है तो इससे काम चल जाएगा इसमें सारा नहीं पढ़ना है ओनली वन चैप्टर अगर करें तो कम्बिनेशन ऑफ ग्राफ और थोड़ा ज़्यादा करना इसके बाद भी टाइम है तो ये तीन चैप्टर पाई चार्ट लाइन ग्राफ और बार ग्राफ इसका डबल वाला मतलब कम्बिनेशन वाला हमेशा किया कीजिए तो अब हम लोग लेक्चर पे आते हैं आज हम लोग सबसे इजी चीज़ से स्टार्ट करेंगे टोटल नाइन लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा स्टैटिस्टिक्स और ये हमेशा आपको कंटिन्यूटी में आप देखिए ये लेक्चर वन है अगर एक लेक्चर दूसरे से इंटर इंडिपेंडेंट है ऐसा कोई डिपेंडेंट नहीं लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूटी में देखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो हम लोग पाई चार्ट का चार पार्ट बनाए हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक ये है पाई पाई कम्बिनेशन पाई बार कम्बिनेशन पाई पाई लाइन कम्बिनेशन एंड पाई टेबल कम्बिनेशन तो हम लोग आज केवल इसको डिस्कस करेंगे लेक्चर जो वन है हमारा पाई पाई कम्बिनेशन पर करेंगे तो ये लेक्चर वन है पाई पाई कम्बिनेशन पे तो पाई पाई कम्बिनेशन तो हमको क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक्स जानना चाहिए क्या बेसिक्स जानना चाहिए कि अगर कोई पाई चार्ट है तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा ये बताइए कितना एंगल बनाता है तो ये एंगल बनाता है थ्री सिक्सटी डिग्री टोटल मान लीजिए कि कोई एक ये जैसे जनरली डेटा क्या दिया जाता है इधर कुछ मटेरियल का प्रोडक्शन का दिया जाता है या स्टेट वाइज प्रोडक्शन का दिया जाता है मान लीजिए कि कोई कंपनी का प्रोडक्शन कार प्रोडक्ट करता है ट्रक प्रोडक्शन है उसको स्टील प्लांट प्रोडक्ट प्रोडक्ट में है तो मान लीजिए कार का प्रोडक्शन आइधर डिग्री में देगा ये डिग्री में दे सकता है और परसेंटेज में दे सकता है तो डिग्री में देगा तो हमको पता है टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री है मान लीजिए कि कार नाइन्टी डिग्री प्रोडक्ट इसका शेयर कितना है नाइन्टी डिग्री है और कहेगा कि इसका परसेंटेज में निकालिए तो इतना सिंपल देगा नहीं आपके समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो अगर कार का प्रोडक्शन 90 डिग्री है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 90 डिग्री है तो टोटल तो कितना है 360 है जो हमको पता है सेंटर एंगल पे इंटू हंड्रेड तो ये हो जाएगा चार से कटेगा और 25 ये 25 परसेंट हो जाएगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये सेंटर पे बनाता है वो 360 का एंगल बनाता है और अगर इसको परसेंटेज में हम डालें तो ये हंड्रेड परसेंट होगा थ्री सिक्सटी कूवेल इंटू हंड्रेड परसेंट तो ये बेसिक एक हो गया पाई चार्ट के बारे में सेंटर पे एंगल कितना बनाता है और अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में डील करेंगे डिग्री में दिया जाए तो डिग्री में हम लोग अपना कंफर्टेबिलिटी के अनुसार इसके अलावा दो तीन चीज़ बेसिक चीज़ आपको जानना चाहिए एवरेज तो आपको आता होगा कि क्या एवरेज है रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज ये बेसिक चीज़ इसमें महारत हासिल नहीं करना है बेसिक जैसे कि वन टू थ्री इसका एवरेज क्या होगा तो तीनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई थ्री तो टू हो जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री टू ये एवरेज हो गया उसी तरीके से रेशियो टू इज टू वन कितना होगा तो टू इज टू वन टू इज टू वन है मतलब फोर इंस टू टू को करेंगे तो ये टू इज टू वन आ जाएगा इसी तरीके से परसेंटेज हो, परसेंटेज हो गया परसेंटेज होता है कि मतलब पाँच बीस का कितना परसेंट है तो बीस पाँच बटा बीस या गुना सौ चार ये पच्चीस परसेंट हो गया तो ये परसेंटेज होगा प्रॉफिट लॉस बेसिक चीज़ है जानेंगे तो हमारा जो आज है पाई पाई चार्ट है हमारा जो थियो कंसेप्ट रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है उसको सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा आपको हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके देना है तो हम लोग पाई पाई से कम्बिनेशन वाला एक क्वेश्चन उठाएंगे ये हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर है देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है दोनों मीडियम वाले अपना प्रीवियस ईयर पेपर खोले और बैठ जाएँ ये क्वेश्चन है साठ से बासठ बी का है आप इस क्वेश्चन का चौदह नंबर है यहाँ भी हिंदी वाले ये भी चौदह नंबर में आ जाइए अब क्वेश्चन को पहले स्टडी करेंगे तो इसको सॉल्व करने का हम तरीका बता देते हैं कैसे सॉल्व ये करेंगे ये है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टडी द फॉलोइंग चार्ट विच शो द सेल ऑफ ए कंपनी कंपनी का सेल दिखा रहा है इन इंडिया इन द ईयर सोलह सत्रह तो सोलह सत्रह साल में 2016-17 साल में ये एक कंपनी है उसका सेल दिखा रहा है तो ये क्या है सेल बाय लोकेशन कंपनी का लोकेशन है मतलब कौन से स्टेट में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ उसका दिखा रहा है बिहार में तीस डिग्री हुआ है डिग्री में दिया है देख लीजिए यही देखना है पहले डिग्री है या परसेंटेज है तो यहाँ है डिग्री तो इसको डील कैसे करेंगे हम 360 में डील करेंगे अच्छा सेल बाई प्रोडक्ट उस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है स्टील प्रोडक्शन हो रहा है सीमेंट हो रहा है मोबाइल हो रहा है ट्रक हो रहा है कार हो रहा है ये भी डिग्री में दिया हुआ है हिंदी वाले भी यहाँ देख सकते हैं सेम चीज़ है महाराष्ट्र एम दिल्ली बिहार और ये डिग्री में दिया हुआ है और एक और बहुत वैल्यूएबल इम्पोर्टे इंफॉर्मेशन क्या है कि कुल बिक्री जो है ये अट्ठारह मिलियन रुपीज है देखिए ये कुल बिक्री जो है अट्ठारह मिलियन 1800 मिलियन सॉरी 1800 मिलियन रुपीज़ है 1800 मिलियन मिलियन मतलब टेन टू पावर सिक्स इतना आई एन आर रुपीज़ है तो हम लोग मिलियन को हमेशा रहने देंगे जरूरत पड़ेगा तब खोलेंगे नहीं तो मिलियन ही लिखेंगे टेन टू पावर सिक्स लिखते लिखते, लिखते स्पेस हमारा ख़राब होगा कॉपी भी तो छोटा मतलब इतना स्पेस टाइम तो नहीं देना है तो अब लोग हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए अब डायरेक्ट क्वेश्चनस को पढ़ेंगे और सीधे सॉल्व करना शुरू कर देंगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि अगले वर्ष करों की बिक्री दो गुनी होने की संभावना हो तथा यह मान लीजिए कि कुल बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई है तो कारों की बिक्री का कुल बिक्री का कितना प्रतिशत होगा हिंदी वाले पढ़ लें अंग्रेजी वाले पढ़ लें इन द नेक्स्ट ईयर सेल ऑफ ए वेयर एक्सपेक्टेड टू बी डबल डबल एज्यूमिंग दैट टोटल सेल ऑफ सेल आर इंक्रीज बाई टू हंड्रेड मिलियन व्हाट वुड बी द परसेंटेज शेयर ऑफ कार इन द टोटल सेल परसेंटेज मांग रहा है टोटल सेल में तो हम इसका जो आप टेक्निक निकाले हैं आपका वो ये है कि पहले हम लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि टाइम आपका बचे नहीं तो हम इस लेक्चर को और अपने से लिखते तो ज़्यादा मज़ा आता लेकिन हम टाइम बचाने के लिए ताकि वीडियो लेक्चर जल्दी कम्प्लीट हो जाए हम इसका सॉल्यूशन पहले लिख दिए हुए हैं और उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और एक और चीज़ बता देते हैं पहले हम लोग ये जितने भी क्वेश्चंस है इसको हम एक लाइन में एक लाइन में सारा सॉल्व कर सकते हैं एनी क्वेश्चंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स एनी क्वेश्चंस मीन्स एनी क्वेश्चंस आइदर इट इज़ टफ और इजी इट हार्डली मैटर्स लेकिन हम लोग प्रोसेस वाइज जाएंगे और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है अच्छा देखिए तो हमारा है सोलह सत्रह में वो लिखेंगे इन द ईयर एकदम ऐसे प्रोसीजर वाइज आइए इन द ईयर सिक्सटीन सेवेंटीज या हिंदी वाले वर्ष दो हज़ार सोलह सत्रह में टोटल सेल ऑफ कंपनी कितना था अभी दिखाए थे ना आपको कितना था ये था अठारह सौ मिलियन था कितना है अट्ठारह सौ मिलियन मैंने लिख दिया हिंदी में कुल cool बिक्री इज इक्वल टू अठारह सौ मिलियन अच्छा फ्रॉम पाई चार्ट हमको दिखाना है कार का क्या दिखाना है कार का वैल्यू क्या होता है कार का वैल्यू डबल होता है नेक्स्ट ईयर में तो पहले सेल ऑफ कार कितना है पचपन डिग्री दिखा देखिए यहाँ दिया हुआ है कार का कितना है पचपन डिग्री है, है ना तो पचपन डिग्री है तो हमने पचपन डिग्री यहाँ लिख दिया अब ये वैल्यू कितना है ये तो डिग्री है ना वैल्यू हो जाएगा पचपन बट्टा थ्री सिक्सटी इंटू अठारह सौ ये तो पचपन बट्टा थ्री सिक्सटी हंड्रेड करते तो परसेंटेज आता डायरेक्ट हम अठारह सौ मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा कार सेल आ गया सोलह सत्रह में टोटल वैल्यू ऑफ कार सेल अच्छा नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस खुद बोल रहा है कि सत्रह अठारह में कार का वैल्यू डबल होता है तो हम क्या किए दो से मल्टीप्लाई कर दिए अब प्रीवियस ईयर लिख दिया प्रीवियस ईयर में हमारा दो सौ पचहत्तर आया था वो डेटा डाल दिए और हमारा दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो पाँच सौ पचास मिलियन हो गया उसके बाद टोटल सेल कितना था हमारा सोलह सत्रह में सोलह सत्रह में और नेक्स्ट ईयर क्या कि? लिखा है कि नेक्स्ट ईयर में आपका टोटल सेल दो सौ रुपया दो सौ मिलियन बढ़ जाता है देखिए दो सौ मिलियन लिखा हुआ है खुद क्वेश्चंस लिखा हुए हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन जैसा कर रहा है वैसा हम लोग को जाना है बस तो ये क्या हो गया कि आपका 200 मिलियन से तो टोटल सेल इन 1718 एटीन प्लस 200 मिलियन क्योंकि 16-17 में 1800 था 17-18 में 200 बढ़ जाएगा तो 2000 मिलियन हो गया अच्छा तो अब हमको फाइनल रिजल्ट क्या था कि परसेंटेज शेयर ऑफ कार सेल टोटल सेल का कितना होगा नेक्स्ट ईयर मतलब अगला साल कार का सेल जो हो रहा है बिक्री वो पूरे बिक्री का कितना परसेंट है तो नेक्स्ट ईयर में पूरा बिक्री का जो है दो हज़ार हो गया मिलियन क्यों, क्यों? क्योंकि पहले अठारह था दो सौ बढ़ गया और कार का डबल हो गया था तो पाँच सौ पचास हो गया आ इन टू हंड्रेड कर दिए फिर दो जीरो से दो जीरो कर दिए एक जीरो से एक जीरो कर दिए पचपन और बट्टा दो तो सत्ताईस परसेंट ये हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज यह आपका आ गया किसका ये आपका आ गया कार का सेल कार का सेल आ गया अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन कितना इजी है देख रहे हैं हम इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते अगर आप बोले तो हम एक लाइन में इसको सॉल्व करके हम दिखा सकते देखिए कैसे हमको बोला था कि सेल इसका है डबल हो रहा है पचपन डिग्री दिया था तो हम देखिए एक लाइन में कैसे निकालेंगे पचपन डिग्री कार का सेल है पचपन डिग्री है उसको हम थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे अठारह सौ निकाल दिए ये हमारा वैल्यू आ जाएगा टू फिफ्टी आ जाएगा इसको हमारा नेक्स्ट ईयर डबल हो जा रहा है दो से और डिवाइडेड बाई अठारह सौ टोटल सेल था नेक्स्ट ईयर प्लस दो सौ बढ़ गया इन टू हंड्रेड ये निकालिएगा तो आपको सत्ताईस पॉइंट फाइव परसेंट आएगा समझे तो आप कोई भी अगर पहले समझ जाइएगा तो क्वेश्चन को एक लाइन में कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले इसको हटाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पढ़ते हैं इंग्लिश में इस बार पढ़ते हैं इन द सबसिक्वेंट ईयर मोबाइल आर इंक्रीज देयर सेयर बाई ट्वेंटी परसेंट फिर से देखिए नेक्स्ट ईयर कह रहा है नेक्स्ट ईयर में पिछले बार डबल हुआ था इस बार बीस परसेंट बढ़ रहा है मतलब कि सौ अगर है तो वो नेक्स्ट ईयर एक सौ बीस परसेंट हो जा रहा है अच्छा देन एजूमिंग दैट टोटल सेल आर अगेन इंक्रीज बाई दो सौ मतलब पहले 1800 था पहला साल में दूसरा साल में फिर से 200 बढ़ गया तो 2000 मिलियन रुपीज़ हो गया चलिए तो बाय हाउ मेनी मिलियन रुपीज द मोबाइल सेल वुड बी इंक्रीज तो अगर पहले इसका परसेंटेज मान लीजिए कुछ है वो 20 परसेंट बढ़ गया तो उसका शेयर कितना वैल्यू से बढ़ जाएगा तो इस बार परसेंटेज नहीं पूछा इस बार एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए पहले मोबाइल का शेयर देखेंगे मोबाइल का शेयर देख लेते कितना है पहले पैंसठ डिग्री है पैंसठ डिग्री है है ना? तो हम अब डायरेक्ट अब निकल जाएगा अब कैसे निकलेगा आप आप लोग क्वेश्चन अपने साथ रखें हम इतना ही बोलेंगे कि आप लोग अपना क्वेश्चन अपने साथ रखें हम बी पार्ट पे जा रहे हैं ये देखिए दिए हुए पाई चार्ट से मोबाइल बिक्री का हिस्सा कितना है पैंसठ डिग्री है है ना जो कितना परसेंट होगा ये हम रफ आप लोग के लिए निकाले हम परसेंटेज का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा अठारह दशमलव जीरो पाँच छः कुछ परसेंट है हम इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोग नहीं कहते कि परसेंटेज निकाल लेंगे फिर एक सौ बीस बीस परसेंट बढ़ाएंगे उसके लिए अच्छा देखिए सोलह सत्रह में मोबाइल का बिक्री कितना हुआ है इन मिलियन पैंसठ बटा तीन सौ पचास गुना अठारह तो ये तीन सौ पच्चीस मिलियन हमारा आया ठीक है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोबाइल शेयर सत्रह अठारह में बीस परसेंट से बढ़ रहा है तो बीस परसेंट से बढ़ रहा है तो वो परसेंटेज में बढ़ेगा ना हम इस रुपया को मत कर दीजिएगा यहाँ गलती एक मत कीजिएगा कि तीन सौ बीस का फिर बीस परसेंट निकाल लीजिएगा ये कभी नहीं कीजिएगा यहाँ शेयर की बात बोलिए शेयर बढ़ रहा है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू बढ़ रहा है ये वैल्यू है तो शेयर है नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा आपका लगेगा सही है लेकिन गलत होगा तो पैंसठ बट्टा थ्री सिक्सटी इन हंड्रेड ये परसेंटेज आ गया जो अठारह कुछ था इसका 120 डायरेक्ट निकाल दिए जो नेक्स्ट ईयर रहेगा तो ये आ जाता है इक्कीस दशमलव छः सात परसेंट और उसका वैल्यू अब निकालेंगे तब वैल्यू जो निकालेंगे हम दो हज़ार से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे न कि अठारह सौ क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है वैल्यू ऑफ मोबाइल सेल इन सत्रह अठारह सॉरी ये सिक्सटीन सेवन अच्छा हाँ सेवनटीन एटीन में मोर था ये तो और ये हमारा था सोलह सत्रह और ये सत्रह अठारह में आ गया ठीक है सत्रह अठारह में तो टोटल वैल्यू सेल ऑफ इतना इंटू इक्कीस परसेंट जो बताया ना अभी हाँ तो ये दो हज़ार आ गया इंटू इक्कीस दशमलव छः पाँच इतना परसेंटेज हो गया तो ये आ जाता है सॉरी ये एक सौ इक्कीस एक सौ बीस परसेंट जो है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इक्कीस दशमलव इतना तो ये आ गया चार सौ तैंतीस दशमलव इतना मिलियन तो इंक्रीज वैल्यू ऑफ मतलब कि वृद्धि हाँ मोबाइल सेल वैल्यू तो पहला सोलह सत्रह में तीन सौ पच्चीस था नया हमारा इतना आया तो डिफरेंस जो हो गया एक सौ आठ दशमलव तीन तीन मिलियन हो गया तो वर्ष दो हज़ार सत्रह अट्ठारह में आपका मोबाइल का जो बिक्री होगा वो कितना हो जाएगा एक सौ आठ दशमलव तीन तीन परसेंट हो जाएगा अच्छा अब सेम क्वेश्चंस को आप कहिएगा तो हम सिंगल लाइन में बना सकते हैं क्वेश्चंस को आप पहले समझिए और एक बार दिमाग लगाइए और शांति से सॉल्व कीजिए तो आप इधर पढ़े हैं मतलब स्टेटिस्टिक्स जानते हैं मैथ जानते हैं नहीं जानते हैं कोई मैटर ही नहीं करता है आप सिस्टमेटिकली चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे और उसको बनाते जाएंगे एक बार हम और क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में इस बार हिंदी में पढ़ते हैं यदि आने वाले देखिए ख नंबर में देखिए ख नंबर ख नंबर में है यदि आने वाले वर्ष में मोबाइल बिक्री का हिस्सा 20 प्रतिशत बढ़ जाए और मान लीजिए कि टोटल जो बिक्री है वो पुनः 200 मिलियन की वृद्धि हो तो मोबाइल बिक्री में कुल कितने मिलियन की वृद्धि होगी अब इसको हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे ये दिखाते हैं आपको एक लाइन में इसको सभी को हम क्वेश्चन को आपको एक लाइन में आप किस बहुत को नहीं जल्दी सॉल्व करने का आदत होता है तो हम उसके लिए हैं तो देखिए मोबाइल का बिक्री जो इसमें डिफरेंस निकालना है तो पहले साल में कितना था पचपन था या पैंसठ था एक सेकंड पैंसठ था पैंसठ डिग्री है डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी इंटू अठारह सौ ये आ गया हमारा जो वैल्यू आएगा ये डिफरेंस इंक्रीज निकालना है तो ये तो पुराना वाला हो गया और इंक्रीज कितना होगा सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी ये परसेंटेज इंटू हंड्रेड ये परसेंटेज आ गया इसमें वृद्धि होता है बीस परसेंट का तो एक सौ बीस बटा हंड्रेड इंटू अब ये फाइनल परसेंटेज है इंटू दो हज़ार अब हमारा वैल्यू है ये दो हज़ार इधर अठारह सौ की है तो ये नया वैल्यू होगा ये चार सौ तैंतीस होगा और ये होगा तीन सौ पच्चीस ये माइनस कर दिए तो ये माइनस कर दिए मतलब ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एक सौ आठ दशमलव तीन तीन कोई भी क्वेश्चन एक लाइन में बन सकता है चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है थर्ड है कि इफ फोर्टी परसेंट ऑफ सीमेंट सेल वेयर इन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में चालीस परसेंट सीमेंट सेल होता है देन वाट वॉज द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र मतलब कि यहाँ देखिए अगर महाराष्ट्र में चालीस परसेंट सीमेंट सेल होता है तो सीमेंट मान लीजिए कि सौ परसेंट कोई भी चीज़ है महाराष्ट्र में सेल हुआ तो उसमें से चालीस परसेंट सीमेंट हुआ तो बाकी चीज़ जो सेल हुआ लाइक स्टील नमक सबको मिला करके महाराष्ट्र में कितना हुआ तो हम क्या करते हैं महाराष्ट्र में टोटल सेल निकाल देते हैं ठीक है उसके बाद महाराष्ट्र में टोटल सेल कितना है अस्सी डिग्री है तो अस्सी डिग्री का तीन सौ साठ इंटू अठारह सौ निकाल लेंगे ये टोटल सेल हो गया महाराष्ट्र में उसके बाद सीमेंट का टोटल सेल निकाल देते हैं सत्तर डिग्री है तो सत्तर बटा तीन सौ साठ गुना अठारह सौ ठीक है और इसका चालीस परसेंट ही महाराष्ट्र में है चालीस बटा सौ माइनस कर देंगे वो आंसर आ जाएगा यही देखिए यही मैंने किया है एक लाइन का चीज है सी नंबर देखिए इन द दे ईयर सोलह सत्रह टोटल सेल इन महाराष्ट्र इज अस्सी डिग्री तो वैल्यू ऑफ टोटल सेल इज इक्वल टू अस्सी बटा तीन सौ साठ अठारह देखिए यही आया मैंने यही किया था उसके बाद सीमेंट सेल ऑफ़ द कंपनी इन सोलह सत्रह सत्तर डिग्री था वैल्यू ऑफ़ सीमेंट सेल सत्तर बटा तीन सौ साठ गुना अठारह सौ तीन सौ पचास आया अच्छा दिया हुआ है फोर्टी परसेंट सीमेंट बिक्री महाराष्ट्र में होता है हिंदी इंग्लिश लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप बस कंसेप्ट को समझिए और ऐसे ही लिखते जाइए इसमें एक दो स्टेप कम भी कर सकते हैं अच्छा वैल्यू ऑफ सीमेंट सेल इन महाराष्ट्र मिलियन रुपीज़ में है ये लिखना है अगर इधर मिलियन रुपीज़ अगर नहीं लिख रहे हैं तो इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 350 जो आया है सीमेंट का 40 परसेंट है तो 40 बटा सौ तो 150 मिलियन रुपीज़ आ गया तो सेल ऑफ़ अदर प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि टोटल सेल इन महाराष्ट्र मतलब पूरा कुल बिक्री महाराष्ट्र माइनस सीमेंट का बिक्री इन महाराष्ट्र नहीं भी लिखे तो इतना से चल जाएगा चार सौ माइनस एक चालीस दो सौ साठ ये आंसर आपका आ जाएगा कितना जल्दी हो गया इसको एक लाइन में तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं पहले ही यहीं पर टॉप पर ही बता दिए थे आपको यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पर जाएंगे लास्ट क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे चलिए लास्ट क्वेश्चन है 2016-17 में दिल्ली में केवल सीमेंट स्टील और कार की बिक्री होती है ठीक है तीन चीज़ की बिक्री होती है और उसका अनुपात क्या है पांच इज टू तीन इंस टू एक अब भारत में कुल सीमेंट की बिक्री कितने प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई क्वेश्चंस नहीं समझे आप नहीं समझे ना तो क्वेश्चंस ये कह रहा है कि दिल्ली में जो दिल्ली शहर है ये देखिए दिल्ली है तो दिल्ली में केवल तीन चीज़ की बिक्री होती है क्या स्टील सीमेंट और कार ये तीन चीज बाकी चीज बिक्री होती ही नहीं थी इसको हटा देंगे इस सीन से और उसमें कह रहा है कि जो कार की बिक्री होती है दिल्ली में पूरे इंडिया की बिक्री का कितना प्रतिशत है तो यहां पहला चीज प्रतिशत है तो हम पूरा डेटा कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या करेंगे डेटा कैलकुलेट नहीं करेंगे हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ये डायग्राम ले चलते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा एक सेकेंड वेट कीजिए फॉर अ वाइल यहाँ पे ले आए क्वेश्चन ठीक है तो हमारा जो क्वेश्चन सब यहाँ सब देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा टोटल सेल इन दिल्ली इन सोलह सत्रह तो दिल्ली में कितना डिग्री दिखा रहा है देखिए तो पैंतालीस डिग्री दिखा रहा है ना देखिए ढंग से हाँ तो मैंने लिख दिया डिग्री में ही काम चलाएगा परसेंटेज में निकालना है तो हमको टोटल वैल्यू निकालेंगे ही नहीं अच्छा गिवेन दैट यहाँ लिख लीजिए गिवन दैट या दिया हुआ है क्वेश्चंस में सीमेंट स्टील और कार का रेशियो है कितना है फाइव इज टू थ्री इज टू वन ये है ना तो ये हम रफ आप लोग के समझने के लिए लिखा है कि यूज एवरेज फाइव एक्स थ्री एक्स वन एक्स मान लेते हैं तो टोटल तीनों ऐड करने पे कितना था पाँच तीन आठ और प्लस एक नौ तो नाइन एक आ गया नाइन इसलिए आप लोग का एज्यूम करने के लिए बोले मान लीजिए कि अब बोलेगा कि मान लीजिए दिल्ली में तीन ही चीज़ बिक्री हो रहा है तो सीमेंट का कितना शेयर होगा तो सीमेंट का होगा ये पाँच और बटा तो टोटल एवरेज जो आ रहा है नौ बोलेगा स्टील का कितना शेयर हुआ तो तीन बटा नौ कार का कितना शेयर होगा एक बटा नौ इतना अगर टोटल दिल्ली में सेल होता है सौ परसेंट तो कार का कितना होगा सौ इंटू पाँच बट्टा नौ इसके लिए समझाने के लिए लिखे हैं लेकिन हम डिग्री से ही हमारा यहाँ से काम चल जाएगा और इस एवरेज से ठीक है अब देखिए शेयर ऑफ सीमेंट सेल इन दिल्ली ओनली केवल दिल्ली में सीमेंट सेल कितना होगा तो डिग्री हमारा टोटल सेल कितना है दिल्ली का पैंतालीस डिग्री देखिए है ना? और सीमेंट का कितना है पाँच है तो पाँच बटा नौ डिवाइड किए नौ पचे पैंतालीस फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री इतना डिग्री में ही हम काम चलाएंगे हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कोई वैल्यू निकालने का परसेंटेज निकालना है पहला चीज़ अच्छा इन द ईयर सिक्सटीन सेवेंटीन टोटल सीमेंट सेल इन इंडिया वो सत्तर डिग्री दिया है दिखला देता हूँ आपको डाउट होगा तो सीमेंट कितना है सत्तर है ना अच्छा सत्तर है अच्छा परसेंटेज ऑफ सीमेंट सेल इन दिल्ली आउट ऑफ टोटल सीमेंट सेल इन इंडिया तो सीमेंट का टोटल सेल 70 डिग्री हो रहा है दिल्ली में अभी निकाले हैं पच्चीस डिग्री हो रहा है तो परसेंटेज कितना होगा पच्चीस बटा सत्तर इंटू सौ इज इक्वल टू थर्टी फाइव तो ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कितना इजीली सॉल्व कर लिया और सबको मैं आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन बता दें हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो अब ये आप लोग को सॉल्व करना है इसका पी आप डाउनलोड कर सकते हैं सोल्यूशन का हमारे वेबसाइट से बी पी एस डॉट कॉम प्लेटफॉर्म या बी पी सी प्लेटफॉर्म आप गूगल पे सर्च करें पहला वेबसाइट आपको सर्च में आ जाएगा यूट्यूब सारा चीज़ वहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप का प्रीवियस ईयर वाला एक यहाँ पर है ये आई थिंक सिक्सटी का है सिक्सटी फोर का है नहीं तो सिक्सटी का है इसको भी आप हम वेबसाइट पे ऑलरेडी रहेगा ये क्वेश्चंस एक ही पीडीएफ में आप इसको आप सॉल्व करके लाइए और आप अपना आंसर टेलीग्राम ग्रुप में डालिए हम वहाँ पर आपका अगर कोई डाउट होगा तो हम सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कराएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर टू ये दोनों पे ना करके हम लोग पहले सिंपल सिंपल चीज़ आपको बता देते हैं लेक्चर टू होगा इस पर पाई और टेबल कॉम्बिनेशन पे, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए थैंक यू